इसमें क्या है? This what? Oh, it's a squishy in there. Where are you going? Upstairs? No, let's go outside. Come on. Let's go outside and play. Why are you whispering, Mishu? Why are you whispering? Hoy, let me help करा दूँ आपके चल. Good boy. मिशु देख रहे आजकल सामान पैक हो रहा है तो वो मिशु भी सामान पैक करके जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हो? चलो आओ भाई, चलें चलें आज. लेट्स गो. किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? आंसर तो दो. उधर किधर? उधर किधर? उधर देखो तो उधर चला गया. किधर? नहीं बाबा, नहीं बाबा तो अब नहीं बाबा. यू वांट टू स्प्लैश इन द वावा? बट द वेदर इज कोल्ड नाउ, यू कांट स्प्लैश इन द वाटर एनीमोर. सर्दी, आपको सर्दी लग जाएगी. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आए हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मजे में हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है. और हाय तिहामी, हाय, आर यू डन प्लेइंग? ओके, दिलावर अभी खेल रहा है? ओके. मिशी की तबीयत अभी थोड़ी सी बेटर है और इसको थोड़ा टाइम लग रहा है ठीक होने में. और मेरे साथ क्या हुआ रात में कि जनाब मुझे एकदम से जो है ना वॉमिट स्टार्ट हो गया, और वही सेम मिशी वाला पैटर्न, उसको भी रात में ज़्यादा होता है. लेकिन हम चूँकि बड़े हैं तो मैं सुबह तक ठीक हो गई थी, और शुक्र है तिहामी की तबीयत ख़राब नहीं हुई है. और बस यही चल रहा है, और बीच में दो दिन के लिए हमारी जो शिफ्टिंग के लिए पैकिंग है वो पॉज हो गई थी, और आज से इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे. तो आज जो है ना खाना बनाने का मेरा बड़ा मज़े का प्लान है. मेरा प्लान है कि मैं ना तवा चिकन बनाऊं, और वो इतना मज़े का तवा चिकन है ना कि आपकी सोच है, इतना मज़े का है. और तवा चिकन होगा, और उसके साथ मैं बनाऊंगी पीस पकौड़ा. या तो पीस पकौड़ा बनाऊंगी या कोई और पकौड़े बना लूँगी, लेकिन वो बनाऊंगी ना. तो फिर साथ में होगी इमली की चटनी, साथ में होगी पुदीने की चटनी. तो उफ क्या मज़ा आने वाला है. और साथ में मैं शिदाद से कहूँगी कि वो जो होती है ना रुमाली रोटी, वो लेके आए. और ओके, अच्छा भी करते हैं. मैं ना घर पे रोटी नहीं बनाती. आप लोग अक्सर पूछते हैं घर पे क्यों नहीं बनाती. मुझे बनानी चाहिए, लेकिन मेरे पास काम इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे लगता है रोटी ना एक एक्स्ट्रा काम है खाम खा का, तो वो मैं इसलिए रोटी नहीं बनाती. और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है, दे आर फाइन विद इट. तो वो भी आराम से खा लेते हैं खुद, और वो बल्कि हमें ज़्यादा मज़े की लगती है. ये मैंने अपना पानी बनाया हुआ आधा मैंने पी लिया है, और आधा मैंने पीना है बस. उसके बाद मेरी ये ड्यूटी ख़त्म हो गई आज की. क्या वॉश? What? Baby wash. What is baby wash? Baby wash. What do you want to wash? Excuse me. After. Baby wash. Your hands are fine. They're clean already. I'll sanitize करना. आजू. I'll sanitize करना. मिशारी का ना आजकल ये है कि मिशी को ना हैंड वॉश करने का क्रेज़ है, और छोटी छोटी बात पे ना मिशी हैंड वॉश करने चल पड़ता है. नो, आपकी सारी स्लीव्स गंदी हो जाएंगी. चलो वन मिनट, चलो लो सैनिटाइजर अपने लिए. करो वॉश, वॉश सॉन्ग सिंग करो, वॉश सॉन्ग. Okay, I will just do my ability here.
अभी की अपडेट ये है कि शहजाद गए हुए हैं गाड़ी को सेल करने के लिए और यहाँ पे रियाज ज़्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं कि फ़ौरन फ़ौरन आपकी चीज़ें बिक जाएँ, तो यहाँ पे ये होता है कि फ्राइडे को एक जगह है वहाँ पे लोग जाते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके और वहाँ पे ब्रोकर जाते हैं फ्राइडे वाले दिन और वो गाड़ी की प्राइस लगाते हैं और अगर आपको पसंद आ जाए तो वो उसी दिन आप ट्रांसफ़र दे देते हैं और गाड़ी जो है ना वो मतलब आप सेल कर लेते हैं। तो लेकिन ब्रोकर्स ने आगे अपने प्रॉफिट में देनी होती है और पता होता है इंसान को कि आगे प्रॉफिट में खुद किसने देनी है, तो वो हम प्रॉफिट में खुद क्यों ना दे लें। तो शहजाद इस वजह से आज सैटरडे को है, सैटरडे और संडे को ब्रोकर्स भी होते हैं नहीं कस्टमर्स भी होते हैं, उसके अलावा देर इज नो अदर वे टू सेल द कार इन दिस सिटी। तो क्योंकि दो महीनों से वैसे ही हम 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं जब से एसी का मसला है तो किसी ने हमसे कार नहीं ली है। तो अच्छा अच्छा तो बाकी ये है कि अच्छा जी आज शहजाद का प्लान है कि आज शहजाद सेल कर देंगे और गाड़ी के बगैर जो है ना वो फिर गाड़ी अगर सेल नहीं की होती ना तो फिर आपका एग्जिट नहीं लगता है, वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि कंट्री से जाने के लिए जाने के वक्त आपके कोई भी पोजेशंस आपके एसेट्स नहीं होने चाहिए आपके पास, आपके क्रेडिट कार्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, आपके गाड़ी वगैरह जो है वो आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इनको हम आजकल देख रहे हैं, फिर खुद ही वॉश करने बेटा गीले कर लोगे आप अपनी स्लीव्स को। चलो बस कब आ जाएगी बस, मिशु फिर आके हैंड वॉश करके चला गया। तो ये है स्टोरी। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ऑनेस्टली खाना बना सकूंगी क्योंकि बहुत ही ये तंग कर रहा है और मक्खी बना हुआ ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है इसकी, तो मैं ज़रा इसी को अटेंशन दूंगी, साथ में जो वीडियो बनाई हुई उनको एडिट करने की कोशिश करती रहूंगी। फिर शहजाद आएंगे तो खाना हम लोग खाएंगे और भूख से बुरा हाल हो जाएगा सबका, लेकिन उसी वक्त हम खाना खाएंगे तब तक कोई फ्रूट वगैरह हम लोग खा लेंगे। तो ये प्लान है और बस आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मिशु देखो मम्मा को, हम लोग आ गए हैं वापस और ये है मिशु। मिशु थक के सो गया था और ब्रैनिला जो है वो लोग पूछ रहे थे कि कल तक लगा रहने दें या नहीं, तो वो फिर हमने उतरवा दिया कि कल दोबारा लगा लें। अब उस बेचारे को हम क्या टॉर्चर करेंगे कि कल तक जो है लगाए रखो, तो बाजू नहीं हिलाना ये नहीं वो नहीं। तो खैर डॉक्टर्स ने इसका CBC किया था कम्प्लीट ब्लड काउंट और उसके बाद फिर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकली थी चूँकि डिहाइड्रेट हो चुका था, तो उसने ड्रिप लगाई है और साथ में जो है वो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया है कि कल अब हमने दोबारा जाना है, एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन कल लगेगा तो इंशाल्लाह फिर ही बी फाइन। तो थैंक यू सो मच आपकी ढेर सारी दुआओं का और मैं कोशिश कर रही थी कि सबके कमेंट्स लाइक करूं लेकिन तो वही बात कि हॉस्पिटल में साथ साथ बिजी भी हूं, लेकिन आप जिन सब ने कमेंट्स किए हैं जिन्होंने लाइक किए हैं सबका थैंक यू सो वेरी मच। और मिशी जो है वो सुकून में आके सो गया है। अभी हम हॉस्पिटल से आ गए हैं और यहाँ पे हर्फी पे खड़े हैं, शहजाद ने और तिहामी ने हाशी लिया है कैमल मीट और हम लोग ये मैं हर्फी से मीट ले रही हूँ। आज तो हमारे घर में कोई काम नहीं हुआ, आज का प्लान था कि हमने पैकिंग करनी थी थोड़ी और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह एडिट करनी है ताकि आपके लिए अवेलेबल हो सकें वीडियो। खाना भी मैंने बनाना था और मैंने इतने मज़े का तवा चिकन सोचा हुआ था, उफ इतने मज़े का सोच सोच के जाना मुझे दिल चाह रहा है कि बस मैं फौरन बना लूँ। मेरी ज़ुबान में पहले पानी आ गया है। अब घर जाएंगे तो अब चिकन तो नहीं बनाना, खाना वगैरह खाएंगे और बस फिर उसके बाद सोने लेट जाएंगे, शहजाद बच्चों को लेके चले जाएंगे ऊपर और मैं नीचे बैठ के तो सारी वीडियोस को अभी मैं शहजाद से ही डिस्कस करी थी कि सारी वीडियोस को एडिट करके उनके थंबनेल्स बना के अपलोड करके तो प्राइवेट करके रख दूंगी, फिर रोज़ाना एक एक स्केड्यूल पे लगा दूंगी, डेली एक एक वीडियो आपको मिलती जाएगी और हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएंगी। आज मुझे लग रहा था कि वो ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, दो दिनों में बहुत लेथार्जिक होना शुरू हो गया तो उसको ज़रूरत है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ कहीं पर इसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए और डिहाइड्रेशन बच्चों के लिए बहुत बुरी होती है आपको पता है, तो वो बड़ा लेके गए हैं और वही बात हुई कि डिहाइड्रेट हुआ हुआ था, उसको ड्रिप वगैरह लगी और सारा, तो माशाल्लाह ब्रेव बेबी है, रोया ही नहीं है, उसको नीडल देखी है ना उसने, तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है ना डॉक्टर्स की, तो वो जो प्रिटेंड प्ले होता है वो वाला, तो देखिए नीडल तो वो थोड़ा रोने वाला हो गया कि मुझे आई लगने लगी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि नीडल इस तरह लगाई जाती है। तो क्योंकि बच्चा है और अलग शुक्र बीमार कभी नहीं हुआ, तो हम ही तो इस एज में बहुत बीमार होता था,
बहरहाल वो फिर ये कि जिस वक्त लगाया डॉक्टर ने, मैं तो करीब नहीं होती, मैं थोड़ा दूर बैठ के ना तो देख लेती हूँ, शहजाद इसके साथ साथ होते हैं, क्योंकि शहजाद की दफ़ा हिम्मत पकड़े रखता है और मुझे देख के तो जो रोता है, फिर वो मम्मा जो होती है ना, मम्मा की दफ़ा बच्चों की हिम्मत टूट जाती है, तो वो मैं थोड़ा परे रही हूँ। और शहजाद ने इसको जो है वो जब ब्रैनिला लगा रही थी तो शहजाद ने इसके पास बैठे हुए थे तो ये उठ के कहते हैं, क्या कह रहा था, हर्ट हर्ट कि मैं हर्ट हो रहा हूँ। तो शहजाद ने कहा, बेटा लेट जाओ, अभी कुछ नहीं, अभी हर्ट हर्ट नहीं हो गया आप। तो उतनी देर में ब्रैनिला लग भी गया, तो एक आंसू का कतरा इसने नहीं निकाला। माशाल्लाह इतना ब्रेव है, इतना माशाल्लाह ब्रेव है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी से दे। और आप लोग जो भी लोग, थैंक यू जो सारे कमेंट्स कर रहे हैं, और मुझे कई लोग बता रहे हैं उनके बच्चों की भी तबीयत ख़राब हुई है, तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दें, ज़िंदगी दें और बीमारियों से दूर रखें। और सिर्फ ये है कि डॉक्टर के पास ले जाना ज़रा इसलिए ज़रूरी हो जाता है, मैं घरेलू टोटकों वगैरह पे जो है ना, ये नहीं कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं उनको इतना फॉलो नहीं करती, मैं उनको ना इतना फॉलो नहीं करती इतने छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे ये होता है कि डॉक्टर के पास ले जाना और प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लेना ही बेहतर होता है। तो अब ये कि छोटे मोटे जो है वो डायरिया के जो है वो मैं टोटके तो कर लूँ, टेम्परेरी डायरिया तो स्टॉप हो जाए, लेकिन वो जो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कैसे ख़त्म होगी? तो इन्फेक्शन तो आपको पता है अच्छी चीज़ नहीं होती, बहरहाल इसलिए फिर ले जाते हैं। और अच्छी बात है, दो दिन में इंशाल्लाह कल इंजेक्शन एक और लगेगा और विल बी फाइन इंशाल्लाह। कल एक ही लगेगा ना बस, और तो कुछ नहीं है ना? हाँ, एंटीबायोटिक है। तो वो अगर देते हैं पीने के लिए कोई बच्चों को तो वो ज़्यादा 5 दिन लगते हैं, तो ये जो है इंजेक्शन है तो ये 2 दिन बस लगेगा, तो बस इंशाल्लाह मिशी ठीक हो जाएगा। तो चलें इंशाल्लाह हम खाना वगैरह खाते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।